दूध मांगोगे तो बनाकर खीर खिलाएंगे, अगर हमारा झारखंडियों का अधिकार मांगने आओगे तो आग नोच कर वहीं पे खीर डालेंगे। लगा कि नहीं, हम लोगों के साथ गलत हो रहा, हम लोग को आगे आना चाहिए, हम लोगों को बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जितना भी कीचड़ है इसके हमें नजरअंदाज करके नाक बंद नहीं करना चाहिए, एक संगठन बना करके इस कीचड़ को साफ करना चाहिए। ये कीचड़ साफ कब होगा? जब एक संगठन बनेगा, संगठन मजबूत होगा। संगठन अर्पण से नहीं समर्पण से होता है, सबको समर्पण होना पड़ेगा इस संगठन में। ये जो जेबीकेएसएस का संगठन है, आज आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? इसलिए ना क्योंकि टाइगर दादा का बात से सबको लगा, कुछ उम्मीद नजर आया, आगे हमारा भविष्य एक चमकता हुआ सितारा की तरह नजर आ रहा है, इसलिए सब आए ना अपना खर्चा करके। ऐसे ही तो नहीं आए, कोई नेता मंत्री के कहने से तो नहीं जाते हैं बिना पैसा का, आप लोग गाड़ी देता तब जाते हैं, लेकिन आज अगर यहाँ पर आए हैं तो कुछ उम्मीद है। तो ये कब होगा? जब टाइगर दादा के हाथ में कलम आएगा तब ये बदलाव होगा। टाइगर दादा के हाथ में कलम आने के बाद जो 81 विधानसभा है ना, 81 का 81 विधायक हमारा जेबी के एसएस का होना चाहिए। हमारा जेबी के एसएस में इतना हमारे पास पैसा धनराशि का कमी है, धनराशि का कमी कमी में आप सबसे विनती है, अभी जिस तरह आप लोग सहयोग कर रहे हैं, हर पंचायत में संगठन बनाइए और संगठन बना के एक विधानसभा खड़ा करके हर एक पंचायत से अपने विधायक जो आप लोग चुने रहेंगे विधानसभा का, उसका जो बैनर बनेगा, साउंड सिस्टम, ये तो जरूरी है। आप लोग खुद पैसे इकट्ठे कीजिए और अपना विधायक चुनिए और टाइगर दादा के हाथ में कलम पकड़ाइए, तभी ये जो कीचड़ भरा पड़ा है ना हमारे झारखंड में ये साफ होगा, वरना साफ नहीं होने वाला है। दूध मांगोगे तो बनाकर खीर खिलाएंगे, अगर हमारा झारखंडियों का अधिकार मांगने आओगे तो आग नोच कर वहीं पे खीर डालेंगे। गजब दीदी गजब। हमारा झारखंडियों का सिर्फ झारखंडियों का झारखंड है, बाहरियों का झारखंड नहीं है। क्या आप लोग देंगे अपना झारखंड? नहीं देंगे ना? तो फिर